इटावा से कानपुर जा रही मालगाड़ी शुक्रवार भोर में 4 बजे कानपुर देहात के अंबियापुर में पलट गई। तेज धमाके के साथ मालगाड़ी के 24 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में रेलवे ट्रैक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ और दिल्ली हावड़ा रूट बाधित हो चुका है। हादसे की जानकारी मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे के अफसर मौके पर पहुंचे। जब हादसा हुआ तो मालगाड़ी इतनी तेज रफ्तार में थी कि रेलवे ट्रैक से करीब 100 मीटर दूर बने तालाब में 5 वैगन जा गिरे। इतना ही नहीं, जिससे ट्रेन संचालित होती है वे एचटी लाइन भी पोल समेत उखड़कर टूट गई। हादसा दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट की डाउन लाइन पर हुआ। हादसे के दौरान रेलवे ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके चलते दिल्ली हावड़ा रूट की सभी ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। उधर हादसे की जानकारी मिलते ही उत्तर मध्य रेलवे के कई अफसर मौके पर जांच करने के लिए पहुंचे और अगर ट्रैक पर कोई यात्री गाड़ी होती तो बड़ी जनहानि होती। हादसे की वजह जानने के लिए एक टीम गठित कर दी गई है जो पूरे मामले की जाँच कर रही है।